एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे आप कैसे अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो पे आप सब देखने वाले हो। जी हाँ, क्योंकि जब भी लोग एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो अब जो बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, बाद में उस बैंक अकाउंट पे अगर पैसा नहीं रहता या फिर कोई दूसरा बैंक अकाउंट से अपना फंड ऐड करना चाहते हैं, तो अब उस समय प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके लिए लोग अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो पता नहीं, या फिर ऐसा भी बहुत सारा केसेस है जहाँ पे वो अपना दूसरे बैंक अकाउंट के ID डालते हैं अकाउंट ऐड करने के लिए, और इसके साथ साथ UPI ID से पैसा भी सेंड करते हैं, लेकिन अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, डेबिट अकाउंट पे पैसा नहीं जाता। तो ऐसा भी काफी सारा प्रॉब्लम है, जिसका सलूशन आगे वीडियो पे आप सबको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइस, एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे अपना बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन को टाइप करना है। इसके बाद आपका सामने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पे अकाउंट पे क्लिक करना है। देन नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो रेफर एंड अर्न के साइड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपका नाम पे डिपेंड करता है। जो भी आपका नेम होगा उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो भी बैंक अकाउंट एड होगा ऑलरेडी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए, यानी इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आपका सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि प्लीज ऐड योर ओन बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट इज इनवैलिड। यहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आपका एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे, और वही मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट पे भी लॉगिन है यानी रजिस्टर है, तो आपको वही मोबाइल नंबर वाला जो बैंक अकाउंट है उसे यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, आपका अगर किसी दूसरा बैंक पे अकाउंट है या फिर आपका किसी दूसरा मोबाइल नंबर पे अकाउंट है, उसे आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐड तो होगा ही नहीं। और दूसरा, यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा कोई UPI ID डाल के फोन पे या गूगल पे किसी दूसरा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से यहाँ पे पैसा ऐड करना चाहते हैं, जब तो क्या होता है अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पैसा ऐड नहीं होता, ट्रांजेक्शन बाद में फेल दिखाता है, लेकिन अकाउंट से पैसा कट जाता है बैंक अकाउंट से। यहाँ पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका जितना भी पैसा काटा है वो बाद में आप रिटर्न क्रेडिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर से एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन आपने ओपन किया, वही मोबाइल नंबर पे आपका जो बैंक अकाउंट है उसे यहाँ पे आपको ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है उसे यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे IFSC कोड को यहाँ पे आपको टाइप करने के बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उसका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, आपका ब्रांच ऑफिस का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभी MICR कोड जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है या फिर कभी कभी नहीं आता, तो अगर आपके पास MICR कोड नहीं है तो वो आपको अपना पासबुक में जो आपका बैंक खाता है वहाँ पे लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास चेकबुक है तो वहाँ पे भी ये MICR कोड रहता है। और इसके अलावा अगर आपको MICR कोड नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप अपना बैंक का जो भी स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी ये MICR कोड रहता है। तो यहाँ पे आपको अपना MICR कोड को टाइप करना है, और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का टाइप जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन नीचे यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है उसे टाइप करना है, फिर से नीचे यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर को टाइप करना है कन्फर्म के लिए, और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि आपका जो भी नाम होगा वो आएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक डिटेल सेव सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि एंजल वन के तरफ से, तो आपको यहाँ पे वो OTP को टाइप करना है और उसके बाद ऑथोराइज पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे योर रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, योर रेफरेंस नंबर इज, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, यानी आपने बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस किया है वो यहाँ पे सक्सेसफुल तो हो गया है, लेकिन इसे एंजल वन के पास यहाँ पे अभी अभी रिक्वेस्ट गया है, तो इसे 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो रिक्वेस्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी अपडेट हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपका मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक SMS आ जाएगा जहाँ पे बताया जाता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा, आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसे एक्सेप्ट किया गया है। जी हाँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपना एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन पे अपना बैंक अकाउंट को अपडेट करना है या फिर चेंज करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबको मिलती रहेगी।